नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मध्य प्रदेश में अमृत सरोवरों का निर्माण कराने की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत भिंड जिले में भी 118 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया गया था, जिसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ और ज्यादातर तालाब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। गौरतलब है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की। इसी के तहत मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे मध्य प्रदेश में 1000 करोड़ से अधिक की लागत से अमृत सरोवर तालाब बनाए जाने के लिए वीसी के माध्यम से निर्देशित किया और उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में कम से कम 75-75 अमृत सरोवर बनाए जाए। इसी के अंतर्गत भिंड जिले में विभिन्न पंचायतों में 118 अमृत सरोवर तालाब निर्माण कराए गए थे, जो कि सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। वहीं तालाबों में मिट्टी की कच्ची पार बनाकर छोड़ दिया गया तो कहीं मिट्टी के ऊंचे नीचे टीले की ओट में एक मैदान नुमा जगह को तालाब बता दिया और कहीं पर मटेरियल का पैसा बिना मटेरियल उपयोग किए निकाल लिया गया। इन पंचायतों के तालाब जीर्ण शीर्ण हालत में हैं, जैसे बबेड़ी, छूचरी, गिरगांव, बिंडवा, बरासो, पर्यांच, भोनपुरा, लहरोली, जमसारा, बड़ेरी और भी अन्य पंचायतों के अमृत सरोवर तालाब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। मजे की बात तो यह है कि इन तालाबों में कभी बरसात का पानी संरक्षित नहीं हुआ और ना ही ठहरा, और जब अधिकारियों द्वारा तालाब के मॉनिटरिंग के लिए फोटो या वीडियो मांगे तब सचिव सरपंच तालाब में ट्यूबवेल से पानी भरकर फोटो खींच कर भेज देते और जिम्मेदारों ने भी मौके पर जाकर स्थिति को पता नहीं किया। हालांकि पूरे तालाबों के फर्जीवाड़े मामले पर भिंड के सीओ जिला पंचायत जगदीश कुमार गोमे ने कहा कि वे पूरे जिले के समस्त तालाबों की जांच करवा रहे हैं और इन सब सरोवरों की जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि जांच शुरू होने से भिंड जिले में कथित सत्ता और विपक्ष के कार्यकर्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है और जिले में अपने अपने आकाओं से सिफारिशों का दौर शुरू हो चुका है। नहीं, मैं ये वैसे हालांकि आज की बैठक में इस विषय पे कोई चर्चा नहीं हुई है, पर मैं इस बात में ये कहना चाहूंगी कि ये कहना ठीक नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। विशेष रूप से इस पे ध्यान दिया जा रहा है और इसके भुगतान भी रोक दिए गए हैं और अधिकारियों से मेरी पूरी बात चल रही है कि इनको कैसे रोका जा सकता है और जो लोग इसमें लिप्त हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमारा प्रयास है। आपको लगता है जो बैठक हुई थी उसमें जो जिले में 118 अमृत सरोवर बनाए गए हैं, सबकी स्थिति दयनीय है, किसी के भी पाप नहीं लगी है और ज्यादातर गुणवत्ता ही है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जिले में जितने भी हमारे अमृत सरोवर बने हैं उसमें काम की क्वालिटी ठीक नहीं है, इसके रेफरेंस में ही मैंने सर्व शिक्षा अभियान के लगभग 8 इंजीनियरों की अलग अलग ब्लॉक वाइज टीम बनाई है और वो पूरी टीम जो है इन कार्यों का सत्यापन कर रही है, उसके फोटोग्राफ्स भी लाए जा रहे हैं और बाकायदा उसमें जो सुझाव है या जो काम की कमी पेशियाँ हैं उसको भी हमें लगातार इंगित कर रहे हैं। तो जैसे ही वो रिपोर्ट पूरी सबमिट हमारे इंजीनियर के माध्यम से दी जाएगी उसमें जो सुधार योग्य है या जहां कोई कार्रवाई करने वाली स्थिति है या कहीं वित्तीय अनियमितताएं हैं तो ऐसे सभी मामलों में एक साथ कार्रवाई की जाएगी और उसमें कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। सर, अमृत सरोवर में कुछ ऐसे निकल कर सामने आए जिनमें सर मटेरियल नुकसान भी हुआ है लेकिन वहाँ पर जो मटेरियल है वो यूज ही नहीं हुआ है और काफी मजदूर जो आपने बताया है कि अब चूंकि मैं उस टाइम पे तो यहाँ नहीं था कि मजदूरों से काम हुआ या मशीनों से, लेकिन अगर इस टाइप का कोई भी मामला अगर जांच के दौरान परिलक्षित होगा तो निश्चित तौर पे उसमें कार्रवाई होगी। इसके साथ ही आप जो बता रहे हैं कि मटेरियल के भुगतान हुए हैं और मटेरियल का यूज नहीं हुआ है तो ऐसे भी अगर किसी वेंडर ने भी अगर इस तरीके के फर्जी टाइप के बिल दिए हैं तो वेंडरों को भी नहीं बख्शा जाएगा। इसमें लोगों से तस्वीर भी की जाएगी निश्चित तौर पे, अगर मान लीजिए काम नहीं हुआ है और शासन के खाते से राशि का आहरण किया गया तो हमारा पंचायत राज अधिनियम की धारा 89 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे और उनसे वसूली की कार्रवाई भी करेंगे। अभी प्रारंभिक तौर पे तो लगभग सभी के फोटोग्राफ्स और ये आ गए हैं हमारे पास और हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो अभी रिपोर्टों को तकनीकी तौर पे फाइनल बना रहे हैं। जैसे उसका फाइनल
प्रतिवेदन आएगा, उसके हिसाब से फिर कार्रवाई के लिए प्रकरण पंजीबद्ध किया।